हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सोमा दत्ता और आज मैं बनाने जा रही हूँ डक करी। और ये डक करी मैं पपैया के साथ बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम डक ले लिया, डक का मांस, और पपैया लिए हैं 4 पीस। इसको 4 पीस में कट कर लिए हैं। और इस पपैया को मैंने टर्मरिक और सॉल्ट के साथ थोड़ा फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट ले ली हूँ, ऑनियन पेस्ट ले ली हूँ मैं। यहाँ पे एक कुकर चढ़ा दी हूँ ओवन में, सरसों का तेल दे दिए हूँ मैं और एक तेज़पत्ता दे दिए। अब थोड़ा हाफ चम्मच मैं यहाँ पे जीरा डाल दे रही हूँ। जीरा जब भून जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे ऑनियन पेस्ट डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे ऑनियन पेस्ट डाल दिया। मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का ऑनियन पेस्ट पीस मिक्सर में पेस्ट कर लिए हूँ। अब इसमें मैं गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच गार्लिक पेस्ट ले दे दे रही हूँ। अब मसाले को थोड़ा भून लूँगी। और इस डक करी में ज़्यादा तेल यूज़ नहीं होता है क्योंकि डक से तेल निकलता है। यहाँ पे 2 हरी मिर्च दे दी हूँ मैंने। अब जिंजर पेस्ट डाल दूंगी। यहाँ पे हाफ चम्मच जिंजर पेस्ट मैंने दे दी हूँ। अब मसाले को थोड़ा भून लूँगी। हाफ चम्मच चीनी दे दी हूँ। चीनी से मसाले का रंग बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। हाफ चम्मच टर्मरिक पाउडर दे दी हूँ और सनराइज काश्मीरी मिर्च दे रही हूँ। इसमें तीखा नहीं होगा, बस कलर आएगा, मसाले का बहुत सुंदर एक कलर आएगा। अब हाफ चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर दे दी हूँ, यानी कोरिएंडर कोरिएंडर पेस्ट। अब यहाँ पे मैं पपाया और डक दोनों दे दे रही हूँ। अब अच्छा से इसको भून लूँगी। जब मसाले से तेल छूट जाएगा तब मैं टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें। यहाँ पे सॉल्ट समझ के देना पड़ेगा क्योंकि मैंने पपाया में सॉल्ट ऐड की हूँ। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी दे दिए। जिसको जितना ग्रेवी पसंद होगा वो उस हिसाब से यहाँ पे पानी ऐड कीजिएगा। अब मैं शाही गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये सनराइज़ का शाही गरम मसाला पाउडर है। यहाँ पे मैं हाफ चम्मच से भी थोड़ा कम गरम मसाला यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे मीट ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मसाला बहुत कम कम यूज़ कर रही हूँ। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दे रही हूँ और फ्लेम गैस का फ्लेम कम कर दी हूँ और 1 सीटी आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। 1 सीटी आ गया है, ढक्कन खोल दी हूँ। देखिए डक करी एकदम रेडी है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी हूँ मैं। मैंने जिस तरह से बनाया है आप लोग उसी तरह से बनाइए और कैसा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।